इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है मानने से इनकार कर दिया कि वो रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं है इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स होते हैं। अब किसी से वो पूछे किसी से नहीं पूछे, वो तो इशारे पे होता है किसी के, तो हो रहा है। तो इस वक्त वाहिद पार्टी है पीटीआई, इनका कोई जिम्मेदार है ही नहीं इलेक्शन कमीशन में, मतलब चेयरमैन कोई है ही नहीं। जो चेयरमैन बनाए गए थे वो खत्म हो गए, और जो अस्ताद उमर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह जिन साहब को इमरान खान ने नॉमिनेट किया था वो भी फारिग हो गए। तो इस वक्त लीगली इलेक्शन कमीशन में कोई जिम्मेदार वैलिड है ही नहीं पीटीआई का। और लोगों को एक बात समझ में नहीं आई, जब ये चीज हो गई है ना, बल्ले का निशान चला गया, और जब पेपर नहीं जमा करने दिए जा रहे हैं या जो भी वजह है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो आज जो मेन चीज है वो लोगों के समझ में नहीं आई। मेन चीज ये है कि ऑटोमेटिकली आज की कार्रवाई से 5 से 10 सीट जो है ना, 5-7 सीट पीटीआई की खत्म कर दी, जो कि इनकी समझ में नहीं आई। वो इस तरह खत्म हुई कि अगर फर्ज करें कि नेशनल असेंबली की 100 सीट है जी, तो उसमें मखसूस सीटें होती हैं। अगर उसपे 10 सीट है और किसी पार्टी ने 100 में से 50 ले ली, तो वो उसको ऑटोमेटिकली बगैर इलेक्शन के पहले ही नाम दिया हुआ होता है, 5 सीट उनको मिल जाएगी। तो पीटीआई को पहले भी इसी तरह मिली थी ना, जब पार्टी की इलेक्शन कमीशन ने हर चीज मानने से इनकार कर दिया है, जो आज कल यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया गया, तो अब इमरान खान की पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। और जो 5 सीटें 5 से 10 सीट जो है खवातीन की मखसूस सीटों पर आनी थी, वो खत्म कर रही है आज ऑटोमेटिकली बगैर कुछ किए हुए। उसमें तो ये बात ही नहीं कर रहे, इनको तो समझ में नहीं आया कि किया क्या है। इनकी मखसूस सीटें खत्म कर दी, अगर ये आजाद हैसियत में जाएंगे तो इनको कोई मखसूस सीटें थोड़ी मिलेंगी। इनको धक्का दिया जा रहा है कि आजाद हैसियत में आ जाए और पार्टी इनकी बराबर हो जाए, और पार्टी जो है इसकी बराबर हो गई। देखिए लोग सीरियस ले लेते हैं कि चौधरी साहब ने ये कह दिया, चौधरी साहब ये कह रहे हैं। मैंने पहले बोला, देखिए ये गेम हुआ है, लोग खुश हो रहे हैं, ये वकील 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 आ गए पार्टी में। अरे भाई, ये ऊपर से इशारे से लाए गए वकील वकील ये पार्टी में। तो इसलिए वकील तो इसलिए आ गए पार्टी के अंदर कि सारे कारकुनों को बंद किया हुआ था, ये अंदाजा लगाया? बंद किया हुआ, सारे लोग तो बंद किए हुए, गिरफ्तार किए हुए उनके, वो कभी भी अगर बाहर निकलते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि कोई अगर चलाने वाले, अभी नहीं कोई झंडा उठा लेता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। कोई दो चलाने वाले लोग हैं ना जी, जो सियासत चला रहे हैं पाकिस्तान में, वो लेके आए हैं पीटीआई में लोगों को। पीटीआई को समझने की बात है, लोग समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, ये लोग चले चले चले, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी ये खामोश रहे, फिर आप बोलिएगा। जी जी जी, देखिए हर पार्टी जो पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान चलाने वाले, उनसे मुलाकात। आपने एक बात कही कि वो जो पीटीआई के साबिक थे उनकी आज जरदारी साहब से मुलाकात हुई जी, फैसल वाडा। हाँ, तो फैसल वाडा साहब की तो क्यों हुई, तो जरदारी साहब उस शख्स से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो अपने मरासिम जो है दूसरी जगह से अच्छा करना चाहते हैं कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, वरना फैसल वाडा की क्या हैसियत जाती तौर पे। तो वो बंदा पानी ज्यादा मिला लिया करो यार, इंटरनली यार। चले बस करें मीना जी, क्या अभी क्या, चले अभी सुन जी, चले 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 सब, एक सेकंड जी, बोलें जी, बोलें जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 घंटे बोलते हैं और हम 2 घंटे सोचते रहते हैं, इसमें से कोई अकल की बात हो तो हम समझ लें। 2 घंटे बोलते हैं और 2 घंटे वेट कर देते हैं हमारे। असल में चौधरी साहब का बहुत हाई लेवल है, चौधरी साहब का माइंड बहुत ज्यादा है, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चौधरी साहब सारा दिन बैठ कर टीवी देखते हैं। आप 2 घंटे लगेंगे। अब आपने बताया कि पीटीआई की मखसूस सीटें खत्म हो गई, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये लोग, हम आपको बताएंगे। चले आपने बता दिया, इनका सुन लें, चौधरी साहब अभी इनकी सुन लें प्लीज, एक मिनट के लिए इनकी सुन लें। सुनिए, ये उसी वक्त टीवी पे स्टिकर चल रहा था, ये 10 दफा कह चुके हैं, आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, हमें समझ आई है,
हमने टीवी पे देख लिया है। महमूद भाई कल इन्होंने आपसे सवाल किया कि जी इमरान खान की पार्टी को हाईजैक कर लिया, जवाब दे दे। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है। इनको तो अपने जो इनके बड़े भाई हैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहिए कि जब वो इनको कहते हैं कि तुम चौधरी साहब सटिया गए हो, तो इनको ये सोचना चाहिए शायद मैं वापिस सटिया गया हूँ। इनको ये